नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। कांग्रेस के लिए हारना जरूरी भी है और मजबूरी भी। जब सख्त फैसले नहीं ले सकते आप, तो आपको हारना ही होगा। जब आपको पता हो कि आपकी पार्टी में भाजपा के पेरोल पर काम करने वाले लोग हैं, तो आपको हारना ही होगा। जब आपको पता है कि पार्टी के साथ इस व्यक्ति की निष्ठा नहीं है, लेकिन मजबूरी में उसे साथ रखना हो, तो आपको हारना ही होगा। जब आपको पता हो कि जो आपके साथ बैठकों में रणनीति बना रहा है, वही रणनीति का सत्यानाश कर देगा, तो आपको हारना ही होगा। और फिर हो रहा है, 5 राज्यों के चुनाव में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जिस तरह से हारी कांग्रेस, और खासकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, और इन दोनों राज्यों में भी खासकर मध्य जिस तरह से हारी कांग्रेस, उसके बाद कांग्रेस को एक सर्जरी की जरूरत थी, लेकिन कांग्रेस फिर स्वयंभू छत्रपों के सामने घुटने टेकते नजर आए। और वो लोग जो 4 दशक से ज्यादा हो गया कांग्रेस के साथ चलते हुए, जिन्हें कांग्रेस ने सब कुछ दिया, वो लोग कांग्रेस के साथ विश्वासघात करते नजर आ रहे। आज मिट्टे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े में चर्चा होगी, मध्य प्रदेश में कमलनाथ के मन में क्या चल रहा है इस पर, और ये सवाल ठोस आधार पर खड़े हैं। क्या सवाल है, क्या क्या ऐसा हुआ मध्य प्रदेश में कि फिर से इस पर चर्चा जरूरी हो गई? कमलनाथ के साथी विधायक आखिर कर क्या रहे हैं? कमलनाथ के सुपुत्र कर क्या रहे हैं? आज मिड डे मुद्दा में ये सब चर्चा का विषय बनेगा। राहुल गांधी के साथ अगर खड़े होने को जो तैयार नहीं है, वो कांग्रेस के साथ कितना खड़ा है, कांग्रेस के लिए उसकी कितनी निष्ठा है, अब इस पर सवाल भी जरूरी है और कांग्रेस की तरफ से इस पर जवाब भी जरूरी है। नहीं तो एक बार फिर से करारी शिकस्त के लिए तैयार रहिए। वैसे भी ये चुनाव 2024 का मोदी के खिलाफ जनता ही लड़ती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस नहीं। अब तक एक प्रत्याशी का नाम डिक्लेयर नहीं कर पाई है, जबकि साथी दलों को देखें तो अखिलेश यादव ने प्रत्याशियों के नाम डिक्लेयर करने शुरू किए। ये उस इंडिया अलायंस की सबसे बड़ी पार्टी मुखिया है, अगुआ है। अगुआ ही अगर इतना कमजोर हो, कंफ्यूज हो, बेबस हो, लाचार हो, तो अलायंस कैसे जीते? हमारे साथ अभिषेक कुमार जुड़ गए। अभिषेक, मध्य प्रदेश से एक रिपोर्ट, एक खबर है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको छापा भी है। खबर के मुताबिक राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, ये 6 दिन मध्य प्रदेश में रही। 6 दिन में जो छिंदवाड़ा के 6 विधायक हैं, यहाँ 6 का बड़ा भारी वो है रोल, 6 दिन की यात्रा और छिंदवाड़ा के 6 विधायक, ये 6 दिन की यात्रा में 1 दिन भी नहीं शामिल हुए। आप बताइए, राहुल गांधी से भी कोई बड़ा चेहरा है क्या कांग्रेस के पास? कोई है तो मुझे तो नहीं जानकारी। हो सकता है कमलनाथ को पता हो सकता है छिंदवाड़ा के विधायकों को पता हो सकता है नकुलनाथ को पता हो। ये 6 विधायकों का ना आना क्या इशारा करता है? और साथ में ये भी जोड़ दूं, कमलनाथ के सुपुत्र नकुलनाथ वो भी सिर्फ 1 दिन आए, और स्वयं कमलनाथ वो भी बदावर में जो रैली थी वहां नहीं पहुंचे, वो उज्जैन में महाकाल के मंदिर में साथ में नजर आए। ये कमलनाथ के बारे में भी बता। अब जरा बताइए कि ये कैसे जीतेगी और क्या चल रहा है? देखिए, कांग्रेस पार्टी के बारे में यदि एक बात मैं साफ साफ कहूं, तो कांग्रेस पार्टी आज से नहीं बल्कि 3 दशकों से हिंदी भाषी भारत में कैसे चुनाव लड़े, ये अब तक कंफ्यूज है। खुद नहीं पता है कि कांग्रेस कैसे चुनाव लड़े। ये बात आपको जानकर हैरत होगी कि कांग्रेस पार्टी हिंदी भाषी भारत में कहां चुनाव जीती। नारायण दत्त तिवारी ने 2002 में जीत दिला दी, हरीश रावत एक छत्रप के रूप में उभर के आए, उन्होंने 2012 में जीत दिला दी उत्तराखंड में। अशोक गहलोत के अंदर जितनी भी ऊर्जा थी, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को 3 बार राजस्थान में सत्ता दिलाई।
ठीक इसके उलट देखें तो दिग्विजय सिंह ने अपने प्राइम के दौर में, एक चुनाव तो खैर कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए लड़ी, नरसिम्हा राव केंद्र में प्रधानमंत्री थे, तो उसमें दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री बने, और एक चुनाव 98 का दिग्विजय सिंह ने अपने कौशल से जिताया। यानी कांग्रेस पार्टी में फ्रेंचाइजी मॉडल जो मैं कहता हूं, इस फ्रेंचाइजी मॉडल ने हिंदी भाषी भारत में सबसे ज्यादा कबाड़ा किया है। कमलनाथ उसी फ्रेंचाइजी मॉडल के एक उदाहरण है। कमलनाथ पर कांग्रेस का ओवर रिलायंस, मैं ओवर रिलायंस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं कि जरूरत से ज्यादा भरोसा। कमलनाथ को कांग्रेस पार्टी ने क्या दिया? मुख्यमंत्री पद का चेहरा भी दिया, प्रदेश अध्यक्ष भी दिया, और तमाम तरह की वो छूट दी जो कमलनाथ को देने की जरूरत नहीं थी। ध्यान रखिए, कमलनाथ कोई डीके शिव कुमार की तरह 24/7 जमीन पर राजनीति करने वाले नेता नहीं है। कमलनाथ की राजनीति हमेशा दिल्ली बेस्ड रही, कलकत्ता और कानपुर बेस्ड उनका व्यवसाय रहा, और कमलनाथ ने छिंदवाड़ा को अपने एक उपनिवेश की तरह, जब से उन्हें संजय गांधी ने मौका दिया 1980 में, वो लगातार जीतते आए, और वहां पर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंसी को वैसे ही नर्चर किया जैसे एक दौर में रामविलास पासवान ने हाजीपुर को किया था। उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को नर्चर किया जहां वोटर उनके साथ सीधा जुड़ा हुआ था। अब कमलनाथ चुनाव को जितवा देंगे पूरे प्रदेश में, ये नहीं माना जा सकता। और कांग्रेस पार्टी ने पता नहीं क्या सोच लिया कि कमलनाथ को वहां कमान दे दो, अखिलेश प्रसाद सिंह को बिहार में कमान दे दो, अजय राय को जो आरएसएस पृष्ठभूमि से आते हैं, ठीक है फाइट करते हैं, लेकिन उन्हें कमान दे दो उत्तर प्रदेश में। ये कमान देने वाली कांग्रेस की जो प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति ने कांग्रेस का और कबाड़ा किया। आपने देखा कांग्रेस पार्टी ने सचिन पायलट और गहलोत के बीच संतुलन बनाने का काम आला कमान ने 2018 में किया था, नतीजे आपके सामने हैं। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच संतुलन बनाने का काम 2018 में किया था, नतीजा आपके सामने था। और दिग्विजय सिंह के बारे में कहा गया कि उन्होंने 57 या 58 टिकट रिकमेंड किए और करीब करीब सारे जीत करके आ गए थे, करीब करीब सारे जीत करके आ गए थे, लेकिन आला कमान ने अपने प्रायर कमिटमेंट्स की वजह से, पहले से किए गए वादे के अनुरूप कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाया। सवाल ये उठता है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव क्या इसी तरह से लड़ती है कि कमलनाथ को दे देगी कहीं और चुनाव जीत जाएगी? ये मध्य प्रदेश का ही उदाहरण नहीं है। राहुल गांधी आज की तारीख में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से बड़ा कांग्रेस में कौन है, आप ये बताइए? आज की तारीख में बीजेपी में नरेंद्र मोदी और अमित शाह से बड़ा कौन है? और राहुल गांधी, बहुत माफी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी के इरादे बड़े अच्छे हैं, वो जनता के लिए सोचते हैं, गरीबों के लिए सोचते हैं, मिडिल क्लास के लिए सोचते हैं और वंचित तबके के लिए सोचते हैं। लेकिन जहां बात ऑर्गेनाइजेशनल स्किल, चुनाव लड़ने की रणनीति बनाने की आती है, चुनाव कैसे लड़ा जाए, कैंडिडेट किस पैरामीटर्स पर सेलेक्ट किए जाए, उस मामले में राहुल गांधी ही नहीं बल्कि राहुल गांधी के बाद जो नई टीम बनी है वो टीम भी पूरी तरह से बचकानी है। इस बात के लिए मैं आलोचना नहीं करूंगा कि कैंडिडेट की घोषणा वो पहले नहीं कर रहा है, निश्चित तौर पे पहले नहीं करनी चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी उस स्थिति में नहीं है बीजेपी की तरह कि पहले से कैंडिडेट घोषित करके उसे चुनाव जिता कर ले आए, क्योंकि जैसे ही कांग्रेस किसी सीट पर पहले से कैंडिडेट घोषित करेगी, बीजेपी को मौका मिल जाएगा कि कांग्रेस के कैंडिडेट के सामने कौन सुटेबल होगा वो देखकर अपनी घोषणा करें। ये राहुल गांधी मौका नहीं दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। लेकिन राहुल गांधी की कांग्रेस का, मल्लिकार्जुन खड़गे की कांग्रेस का, केसी वेणुगोपाल की सांगठनिक क्षमता का हिंदी भाषी भारत में कोई मतलब नहीं है, ये साफ साफ मैं कहता हूँ। मैं थोड़ा अब रोकूंगा। दरअसल दो बातें हैं, जैसे आपने कहा कि टिकट पहले देंगे तो खतरा, टिकट पहले देने पर असली खतरा पता है क्या है? असली खतरा ये नहीं कि उसको देख करके, ऐसे तो हम तो हर आदमी भाजपा को देख करके कांग्रेस घोषित कर दे और जिता ले सारे। भाई भाजपा अगर पहले और बाद में घोषित करने से ही नतीजा निकलता तो भाजपा पहले की है, कांग्रेस और इंडिया अलायंस बाद में कर लो, जीतते सारी सीटें। असल खतरा ये है कि अगर पहले डिक्लेयर कर देंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि पार्टी का प्रत्याशी भग जाए भाजपा, असली खतरा ये, क्योंकि तमाम ऐसे लोग हैं और कांग्रेस को पता है ये बात, पता है ये बात कि तमाम ऐसे लोग हैं जो इस ताक में है। बीजेपी चुनाव बड़े अलग तरीके से लड़ती है, वो टाइमिंग पता है कि 50 लोग तैयार हैं, कांग्रेस में 50 के साथ डील हो चुकी है, किसी का ईडी का मामला है, किसी का आईटी का मामला है, किसी
क्या कुछ और मामला है, सीबीआई का मामला है, 50 को रेडी कर लिया, यानी 50 जो है जवान उधर हैं, लेकिन उनके लिए टाइमिंग ये नहीं है कि 50 तैयार हो आ जाओ आज, टाइमिंग सबके लिए होती है, कब किसको आना है, कब किसकी एंट्री होगी। अब गुजरात में एंट्री होने वाली है जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, और गुजरात में पिछले 10 साल में इस बार सबसे कड़ा मुकाबला होने जा रहा है भाजपा का, वो चाहे आम आदमी पार्टी की वजह से हो चाहे जिस वजह से हो, लेकिन कड़ा मुकाबला है इस बार। ऐसी स्थिति में तब अर्जुन मुड़वाड़िया फलाने विधायक पूर्व विधायक, अब क्योंकि जब यात्रा घुसे उस समय नैरेटिव, तो हर आदमी के आने का वक्त मुकर्रर करते हैं रणनीति के हिसाब से। तो ये खतरा है कि प्रत्याशी पहले घोषित कर दे कांग्रेस, अब पता चले। अब क्या है, अब समझिए इस बात को, फिर मैं आता हूं मध्य प्रदेश मुद्दे के पहला। मध्य प्रदेश में शायद 5 सीटों का भी ऐलान नहीं हुआ है प्रत्याशियों का, उसमें एक छिंदवाड़ा भी है, नकुलनाथ भी है। पता चला कि संजय गांधी के साथ इंदिरा गांधी, संजय गांधी के अलावा दूसरा बेटा कमलनाथ, पता चला कमलनाथ के पुत्र, उनकी श्रद्धा मोदी के लिए जग जाए, कहें मेरी भी अंतरात्मा, इस समय अंतरात्मा बड़ा गजब है, वो अंतरात्मा जज की भी जग रही है, नेता की भी जग रही है, अफसर की भी जग रही है, सबकी अंतरात्मा, ये अंतरात्मा का अमृत काल। तो इसमें जो है सबकी अंतरात्मा, और सबकी अंतरात्मा जब जगती है तो एक ही फोटो दिखता है, भगवान विष्णु का जो वर्तमान अवतार है वही दिखता है अंतरात्मा। तो इस परिवेश में जो नकुलनाथ हैं, ये नकुलनाथ और कमलनाथ पे हम चर्चा को फोकस करते हैं। कमलनाथ ने कहा, हालांकि जो नहीं शामिल हुए तो उसमें सफाई में कहा कि जो रैली में, कि उस दिन सीईसी की बैठक थी दिल्ली में, चलिए कोई बात नहीं। हालांकि यहीं पर मैं कांग्रेस पर और सवाल खड़ा करूंगा, सीईसी के बैठक में वो आदमी आ रहा है जिसके विधायक, ये कहने में कोई डाउट नहीं, छिंदवाड़ा का विधायक नहीं, आप थोड़ा बताइए आशीष जी, आशीष जी एक बात बताइए, बीजेपी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक चल रही है, नरेंद्र मोदी तो रैली कर रहे हैं, वो शाम में पहुंच रहे हैं, तो क्या दिन में बैठक नहीं हो रही है, कंटिन्यू चल रही है, शाम में आकर के वो भागीदारी करते हैं जितने देर करनी होती है। मैं वही बात आगे, और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा के 6 विधायक, कमलनाथ के 6 विधायक वो सीईसी में, बाकी वो 6 विधायक, 6 के 6 विधायक 6 के 6 दिन नहीं आए। क्यों नहीं आए? कमलनाथ के छिंदवाड़ा, जो आपने बहुत सही सब उपनिवेश बना दिया, छिंदवाड़ा छोड़, और वो उपनिवेश बना दिया और इनको सीएम फेस बना दिया कांग्रेस ने, जिनकी छिंदवाड़ा के बाहर कार्यकर्ताओं पे कोई पकड़ नहीं है। मैं मध्य प्रदेश के तमाम लोगों से बात करता हूँ, वो कहते हैं कि आज भी ग्वालियर चले जाओ, गुना चले जाओ, रीवा चले जाओ, सतना चले जाओ, कहीं चले जाओगे आप, इंदौर चले जाओ, उज्जैन चले जाओ, कार्यकर्ता अगर जानता है, भले पार्टी सत्ता से बाहर हो, कार्यकर्ता दिग्विजय को जानता है, छिंदवाड़ा छोड़ के कार्यकर्ता दिग्विजय को जानता है। आपने सीएम फेस बना दिया, उस सुनील कोनुगोलू को भगा दिया बाप बेटे ने मिलकर के, कि तुम बताओगे कैसे जीतना है। इतना ही नहीं, उस दरमियान की एक बात हमने उस समय चर्चा में लाया था इस बात को, उस वक्त कमलनाथ कई सीनियर लीडर्स से कहते थे, वहां के प्रभारी से कहते थे कि अरे राहुल गांधी को बोलिए कि जाए राजस्थान वगैरह में ज्यादा ध्यान दे, मध्य प्रदेश में ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मतलब ये ओवर कॉन्फिडेंस ऐसा था कि मोदी में इतना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं देखे, इतना अहंकार नहीं देखे, जबकि हम मानते हैं कि इस विषय में अगर सूची बने तो शायद दुनिया में टॉप करें मोदी जी, लेकिन मोदी जी को ही पीछे छोड़ दिया कमलनाथ। आशीष जी, अगले सवाल पे आ रहा हूँ, अगला सवाल, सवाल क्लियर कर, थोड़ा सवाल लंबा हो जा रहा है इनके विषय में। कमलनाथ दिल्ली आए, जो भी बाद में कहा गया कि तमाम लोगों ने कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, अरे कुछ कैसे नहीं था भाई, हम लोग भी दर्शन के विद्यार्थी रहे हैं, धुआं है तो आग होगी होगी। कमलनाथ आए, कमलनाथ के साथी जितने विधायक थे, कमलनाथ के शागिर्द सब आए, कमलनाथ के बहुत करीबी जिन पर टिकट बेचने का आरोप इस चुनाव में लगा था, वर्मा जी पूर्व मंत्री, वो आए, इनके करीबी लोग जो थे वो अति उत्साह में उन्होंने बयान भी दिया कि जहां इज्जत नहीं मिलेगी वहां क्यों रहेंगे कमलनाथ। क्या मतलब था, जब ये कहना पर्याप्त है ना कि इज्जत नहीं मिल रही, कहीं और जाना है। असल में मामला लटक गया कि ये फंस गए कि कमलनाथ 84 के दंगों से जब इनका कनेक्शन हाईलाइट होने लगा तो बीजेपी को लगा कि कहीं उल्टा ना दांव पड़ जाए। तो मेरा सवाल 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 नहीं अब तक ले पाया था, सवाल ये है कि क्या, मैंने कहा ना कि भाजपा सबके लिए, सब हर पेरोल पे, भाई
अगर कोई भी इम्प्लॉय है पेरोल पर है तो उसके लिए काम तो मालिक मुकर्रर करेगा ना, तय करेगा। क्या कमलनाथ के को जिम्मेदारी यही दे दी गई है कि पार्टी में रह करके कांग्रेस में रहो, सीईसी के बैठक में जाओ, कांग्रेस में रह करके ही कबाड़ा करो? देखिए कांग्रेस पार्टी में कमलनाथ अकेले नहीं है, लेकिन चूंकि चर्चा आज कमलनाथ के सहारे और कमलनाथ के बहाने ही हम कांग्रेस पार्टी की कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है फोकस हम कमलनाथ पर ही रखें तो बेहतर है। कमलनाथ मध्य प्रदेश में जमीनी राजनीति करने वाले नेता कभी नहीं थे, इस बात को सबसे पहले समझना जरूरी है। वो जमीन की सियासत को नहीं समझते हैं, वो पैन मध्य प्रदेश को नहीं समझते हैं, ना तो मालवा निमाड़ अंचल को समझते हैं, ना ही वो विंध्य को समझते हैं, ना ही वो बघेलखंड को समझते हैं, ना ही वो ग्वालियर गुना बेल्ट को, चंबल बेल्ट को समझते हैं, ना ही वो भोपाल के सेंट्रल बेल्ट को समझते हैं। वो समझते हैं तो दिल्ली से उनका चार्टर्ड प्लेन छिंदवाड़ा लैंड करता है, या कलकत्ता से या दिल्ली से, जहां उनका व्यवसाय बताया जाता है कलकत्ता में, उनका प्लेन लैंड करता है और वहीं से उनकी राजनीति चलती थी। अब छिंदवाड़ा को मध्य प्रदेश समझने की भूल कांग्रेस ने की, और एक बार नहीं की, बार बार की, तो फिर कमलनाथ को भी ये वहम हो गया शायद कि वाकई छिंदवाड़ा ही मध्य प्रदेश है। कमलनाथ को लेकर के आप चाहे जितनी भी चर्चा कर लें, कमलनाथ कांग्रेस पार्टी का कबाड़ा करते रहेंगे, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते, चाहे वो कांग्रेस में रहकर करें या कांग्रेस पार्टी छोड़कर करें। उनके इलाके के विधायक नहीं पहुंचे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे या किसी वेणुगोपाल को सोकॉज नोटिस जारी कर उन्हें पूछना नहीं चाहिए था कि आप कहां थे? ये हालात कांग्रेस पार्टी ने भी तो आला कमान कहा जाता है, लेकिन मुझे तो ना कहीं आला दिखाई देता है ना कहीं कमान दिखाई देता है। आप कहीं कांग्रेस पार्टी में आला कमान देखते हो तो बताइए, मैं आपको एक अंदरूनी कांग्रेस नेता की बात बता रहा हूं, निजी तौर पर उन्होंने बताई, और दो तीन लोग पहले से बता रहे थे कांग्रेस के ऊपर के लोग, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने विश्वसनीय व्यक्ति इस बात को बताएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर हालत क्या है, कांग्रेस पार्टी के अंदर हालत यह है कि कोई कार्यकर्ता, एक तो राहुल गांधी तक पहुंचना मुश्किल है, लेकिन कहीं गलती से मिल भी गया तो राहुल गांधी से अपनी समस्याएं कहेगा तो बोलेंगे कि खड़गे जी से मिलो, मेरी भूमिका भी खड़गे जी तय करते हैं। खड़गे जी से मिलने पर खड़गे जी कहेंगे केसी वेणुगोपाल से मिलिए, केसी वेणुगोपाल कहेंगे राहुल गांधी से मिलिए। अब बताइए इसमें पार्टी का कार्यकर्ता कहां से दिशा निर्देश ले, पार्टी की नीतियां कहां से तय हो? आज मैं फिर कह रहा हूं, राहुल गांधी जो बात कहते हैं उसको कम्युनिकेट करने लायक भी पॉलिटिकल ट्रेनिंग कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की हिंदी भाषी भारत में नहीं है। दक्षिण की बात छोड़ दीजिए, जहां तेलंगाना में कांग्रेस की जमीन थी, हारी थी चुनाव लेकिन जमीन थी, कांग्रेस पार्टी की जमीन चुनाव 24 साल से बाहर है लेकिन उड़ीसा में जमीन है, कांग्रेस पार्टी की जमीन कर्नाटका में थी, कांग्रेस पार्टी की जमीन महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में भी है और मुंबई महानगर में भी है, कांग्रेस पार्टी की जमीन केरल में भी है, कांग्रेस की जमीन हार के बावजूद असम में भी है। लेकिन बात यदि आप मध्य प्रदेश की करें तो आपको मध्य प्रदेश के बारे में एक डेटा सबसे पहले दिमाग में रखना चाहिए कि सरकार चाहे कांग्रेस की हो या भाजपा को, भाजपा की चार लोकसभा चुनाव 96, 98, 99 और 2019, ये तो कांग्रेस के सत्ता में रहते हुए हुए ना चार लोकसभा चुनाव, 1996 से अब तक जितने लोकसभा चुनाव हुए हैं, सभी लोकसभा चुनाव में, चाहे प्रदेश में जीता कोई भी हो, सभी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है, यह सच्चाई है कांग्रेस की। कांग्रेस की सच्चाई करना होगा इससे अलग दिक्कतें कहां से है, दिक्कतें इसलिए है कि कमलनाथ जैसे नेताओं को नकुलनाथ पर भरोसा किया जाता है, कमलनाथ पर भरोसा किया जाता है। राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल यानी कांग्रेस के संगठन को और पार्टी को चलाने वाले लोग आम कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना पसंद नहीं करते। आज आप देख लीजिए मध्य प्रदेश के किसी गांव में चले जाए, जनता के बीच की छवि को भूल जाइए, कार्यकर्ता के बीच आप जाए तो कार्यकर्ता सीधे कहेगा कि हमारे नेता दिग्विजय सिंह है। और छोड़िए जिन राज्यों में कांग्रेस के तमाम प्रभारी रहे यूपी और बिहार में, लेकिन दिग्विजय सिंह भी प्रभारी रहे, आप वहां के कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बात कीजिए, वो सब यही कहेंगे कि दिल्ली जाने पर तो दिग्विजय सिंह ही बात सुनते हैं और बात समझते हैं, कार्यकर्ताओं की बात सुनते हैं। तो कांग्रेस पार्टी के पास न तो प्रभारी बात सुनाने वाले हैं, न बात समझने वाले हैं, न कांग्रेस के संगठन को कैसे चलाया जाए। संगठन महासचिव का दायित्व तो होता है, हमने आपने सबने देखा होगा कि जब संजय जोशी भारतीय जनता पार्टी के संगठन महासचिव थे, जिला स्तर और ब्लॉक लेवल का कार्यकर्ता सीधा बात करता था, बीएल संतोष जिला स्तर के कार्यकर्ता से बीजेपी में जुड़े रहते हैं, लेकिन भाजपा के संगठन महामंत्री की बात करें केसी वेणुगोपाल की, पहली चीज तो वो हिंदी नहीं बोल पाते,
वो क्या समझेंगे कि छिंदवाड़ा के बाहर का, रीवा का, सतना का या फिर मुरैना का कार्यकर्ता क्या कह रहा है, वो क्या समझेंगे कि चंपारण का कार्यकर्ता क्या कह रहा है, वो क्या समझेंगे कि बस्ती का कार्यकर्ता और अंबेडकर नगर का कार्यकर्ता क्या कह रहा है। ये दिक्कत है कांग्रेस पार्टी में, इसका इस समस्या का समाधान कैसे होगा। ऑस्कर फर्नांडीज जैसे लोग थे कांग्रेस में, भले ही जमीन नहीं थी लेकिन वो उत्तर भारत को समझते थे, एक एक कार्यकर्ता के लिए दरवाजा खोल करके रखते थे, बात ऊपर तक पहुंचाते थे। आज की तारीख में क्या है, बहुत सच्चाई के साफ साफ बयान किया जाए तो प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष और स्क्रीनिंग कमेटी ये सब मिलकर चुनाव में टिकटों के बारे में आरे करते हैं। पार्टी जो पैसा देती है, जितना भी पैसा दे चुनाव में कैंडिडेट को चुनाव लड़ने के लिए, हर पार्टी देती है आप जानते हैं, जो पैसा देती है उसमें पहले से कोटा फिक्स हो जाता है कि इतना प्रभारी का होगा और इतना अमुक व्यक्ति का होगा, इतना अमुक व्यक्ति का होगा। जब ये सिस्टम से कांग्रेस पार्टी चलाई जाएगी, क्या राहुल गांधी को नहीं दिखता है? आज हमारे दर्शक में बहुत माफी के साथ कहना चाहूंगा, लोगों को लगेगा कि राहुल गांधी पर आज हम आलोचना कर रहे हैं, लेकिन हमें आलोचनात्मक होना पड़ता है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, अच्छी बात है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी 24x पॉलिटिक्स में सिर्फ यात्रा करके वोट आप नहीं ले सकते। लाल कृष्ण आडवाणी भी यात्रा करते थे तो संगठन एक, जब मोबाइल का जमाना नहीं था, पीसीओ बूथ में लोग बताते हैं उनके साथ यात्रा में चलने वाले लोग, कहीं से खबर आई यात्रा रोक कर पीसीओ बूथ में जाकर उस जिले के डीएम को, एसपी को, जहां से संभव हो स्थानीय कार्यकर्ता को पकड़ करके कि अमुक व्यक्ति को बुलाओ, ये बात करनी है। इस ढंग से पार्टी चलाई जाती है। आज राहुल गांधी का कितने कार्यकर्ताओं से कांटेक्ट है आप बताइए। कन्हैया कुमार क्या भारतीय कांग्रेस पार्टी को क्या आसमान पे पहुंचा देंगे? या प्रियंका गांधी के आसपास जो संदीप सिंह जैसे लोग हैं, क्या वो आसमान पे पहुंचा देंगे कांग्रेस पार्टी को? कमलनाथ या नकुलनाथ क्या कांग्रेस पार्टी को आसमान पे पहुंचा देंगे? उन्हें जहां दिखेगा कि यहां नहीं दूसरा रास्ता भी है तो आरपीएन सिंह का रास्ता पकड़ लेंगे, वो जतिन प्रसाद का, ज्योतिराय सिंधिया का रास्ता पकड़ लेंगे, वो मिलिंद देवड़ा का रास्ता पकड़ लेंगे, वो रास्ता पकड़ने की कोशिश करेंगे जो एक दौर में सचिन पायलट पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक 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 सवाल यही है कि कांग्रेस पार्टी ये सवाल ही क्लियर करना चाहता हूं, मैं सवाल ही क्लियर करना चाहता हूं, मैं रोकना चाहता हूं सवाल ही क्लियर। ऐसी स्थिति में जहां पे विक्रमादित्य सिंह, नकुलनाथ, कमलनाथ जैसे लोग हैं, आपने बहुत सारे नाम गिनाए, तमाम कुछ प्रवक्ता लोग हैं, कुछ महासचिव लोग, जब सारे ऐसे हैं तो इसमें विकल्प क्या है फिर राहुल गांधी के पास, क्या करना चाहिए? देखिए आप विकल्प की बात करते हैं, विकल्प की बात जब सबसे पहले तब उठती है ना कि राहुल गांधी को क्या करना चाहिए। राहुल गांधी को सबसे पहले अपने स्टाफ को दुरुस्त करना होगा। राहुल गांधी के यहाँ कोई मिलने की कोशिश करे, पता चला, मैंने पहले भी बताया है कि कैसे कांग्रेसी हम लोग सबका दर्द बयान करते हैं कि उन्हें अपॉइंटमेंट नहीं मिलता, उनके इलाके के जो दलाल किस्म के कांग्रेसी नेता हैं, हर पार्टी में दलाल होते हैं दो चार आप जानते हैं, जो दलाल किस्म के कांग्रेसी हैं, वो दलाल किस्म के कांग्रेसियों से पूछा जाएगा कि इस व्यक्ति को अपॉइंटमेंट देना है, दिलाना है या नहीं दिलाना है। इस सिस्टम से, अपॉइंटमेंट सिस्टम से पार्टी नहीं चलती है। कितने दिन राहुल गांधी AICC आते हैं और कितने दिन AICC में केसी वेणुगोपाल कम्युनिकेट करते हैं वर्कर से? कितने दिन केसी वेणुगोपाल भोपाल गए हैं या लखनऊ गए हैं या पटना रांची गए हैं? कितने दिन जाकर के केसी वेणुगोपाल जैसे लोग दरभंगा में या कहीं किसी जगह पे रीवा में और सतना में जाकर के कार्यकर्ताओं की बातें सुनते हैं? आप पार्टी दिल्ली में 24 अकबर रोड से भी आने चलाने के लिए नहीं आइएगा तो भला पार्टी चलेगी? आज देखिए बीएल संतोष की फेसबुक प्रोफाइल आप उठा करके देख लीजिए, हम लाख भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करें लेकिन बीएल संतोष को दिल्ली में आप शायद ही कभी देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी में या कांग्रेस किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में जो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन का पोस्ट होता है उस कई मायनों में अध्यक्ष से भी ज्यादा महत्वपूर्ण पद होता है। सत्ता को, पार्टी के नेतृत्व को लगाम कसने की और कार्यकर्ताओं के बीच सेतु का काम करने की जिनकी जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी वेणुगोपाल निभा रहे हैं जिनका अपना कम्युनिकेशन। देखिए दरअसल भाजपा को एक मामले में हमेशा अपर हैंड पे हम रखेंगे। नहीं, एक छोटी सी बात मैं कह दूं, आशीष जी छोटी सी बात, आशीष जी छोटी सी बात, 2018 में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने, 18 से पहले और 14 के बाद अशोक गहलोत जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी निभा रहे थे और अशोक गहलोत तक पहुंचना कार्यकर्ताओं के लिए आसान था। आपने देखा होगा अशोक गहलोत ने गुजरात चुनाव में 17 में पानी पिला दिया था बीजेपी को, पानी पिलाकर रख दिया था। आखिरी दौर में फैसला हुआ सरकार किसकी बनेगी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में सरकार बना के दिखाई,
और मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्हें छोड़ना पड़ा जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन का पोस्ट। इसलिए ऐसा संभव था क्योंकि अशोक गहलोत खुद कार्यकर्ता से नीचे से ऊपर उठकर आए थे। अशोक गहलोत को यह पता था कि कार्यकर्ताओं के इमोशंस के साथ कैसे कनेक्ट किया जाता है, जमीनी फीडबैक पता थी। लेकिन अशोक गहलोत ने संगठन महासचिव का पद छोड़ा 4 महीने बाद 2019 के लोकसभा चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव के बाद देख लीजिए क्या हाल हुआ। क्योंकि जब कम्युनिकेशन गैप, आप चुनाव नेता नहीं लड़ता है, ये भ्रम में मत रहिए कि चुनाव जो कैंडिडेट आप टिकट देते हैं, या दिल्ली में राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी या अमित शाह चुनाव लड़ते हैं, और न ही वो कैंडिडेट लड़ता है जिसको आप टिकट देते हैं। चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी आपके कार्यकर्ताओं की होती है। किसी भी पार्टी में हम पत्रकार हैं, रिपोर्ट हम नहीं लाते हैं यहाँ स्टूडियो में बैठ करके, स्टूडियो से जमीन से रिपोर्ट लाने की जिम्मेदारी हमारे जो रीजनल रिपोर्टर्स हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं, 90% क्रेडिट उनका जाता है, जो चाहे मनीष जी पटना में हो या आलोक पाठक जी लखनऊ में हो, जो दिन रात मेहनत करके रिपोर्ट लाते हैं। हम तो लुटियंस दिल्ली की 10% खबर लाते हैं, और 10% खबर भी आप जानते हैं कि लुटियंस दिल्ली में पत्रकारों पर पहरे जैसी स्थिति है, खबर ही नहीं निकलती है। उसी तरह से पॉलिटिकल पार्टी है कि पार्टी हमेशा चलती है कार्डर से, पार्टी चलती है कार्यकर्ताओं से, पार्टी चलती है कार्यकर्ता से, इसलिए क्योंकि कार्यकर्ता जनता और पार्टी के बीच सेतु होता है। राहुल गांधी कह दिए कि तमाम बेरोजगारों को अप्रेंटिसशिप देकर 1 लाख रुपया देंगे, अब चर्चा, लेकिन राहुल गांधी की बात कौन पहुंचाएगा जमीन तक? चर्चा का वक्त खत्म हुआ। आखिर में आपने कहा पार्टी कार्यकर्ताओं से चलती है, लेकिन कमलनाथ के कार्यकर्ता, कमलनाथ के नेता, कमलनाथ के साथी राहुल गांधी के साथ, कमलनाथ के कार्यकर्ता नहीं है, कमलनाथ के कार्यकर्ता नहीं है, भूल जाइए, कार्यकर्ता अगर होते कमलनाथ के। सुनिए, छिंदवाड़ा में कमलनाथ का सब कुछ है, कार्यकर्ता भी वहां पे न कांग्रेस के कार्यकर्ता है न राहुल गांधी के हैं। इसीलिए छिंदवाड़ा से जब कमलनाथ दिल्ली आए तो वहां का गांव का प्रधान भी चला आया था कि हम भी जाएंगे। तो कमलनाथ, अभी हम छिंदवाड़ा की बात कर रहे हैं, छिंदवाड़ा में है, छिंदवाड़ा में नकारने का मतलब हम आलोचना करेंगे, अगर कुछ भी नहीं होता छिंदवाड़ा में भी कुछ नहीं होता तो फिर उसके आगे चर्चा क्या करें। छिंदवाड़ा में कम से कम ये नहीं नकार जा सकता कि छिंदवाड़ा में भी कुछ नहीं है कमलनाथ, जब कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं होता तो पार्टी खड़ी हो जाती। नहीं, छिंदवाड़ा में है, और वही मैं कह रहा हूँ कि कमलनाथ के कार्यकर्ता, इसी बात को, कमलनाथ के कार्यकर्ता, कमलनाथ के नेता राहुल गांधी से क्यों दूर है, क्यों दूरी बना करके राहुल गांधी की यात्रा से रखे। आशीष जी, एक छोटी बात मैं कहना चाहता हूँ, कह दू, बिहार की बात मैं आपको बता रहा हूँ, एक सिटिंग एमएलसी है कांग्रेस पार्टी के पास, लगभग वो रिक्विजिट नंबर है, और सिटिंग एमएलसी की सीट नीतीश कुमार के साथ खाली हो रही है, और कहा जा रहा है कि उन सिटिंग एमएलसी को बिहार में टिकट ना देकर टिकट किसी ऐसे आदमी को दिया जाएगा जिसका अब तक कुछ पता नहीं, या फिर राजद को गिफ्ट कर दिया जाएगा वो सीट, ये खबरें आ रही है। तो और वो सिटिंग एमएलसी ऐसे है कि बिहार में 19 MLA है, 2 या 3 MLC है, उन 22 में लोग उन्हें ही जानते हैं, ये भी जान लीजिए, सदन में वही बोलते हैं, लेकिन उनका टिकट कौन कटवा रहा है, कौन काटने की कोशिश कर रहा है, ये कांग्रेस का कल्चर है। तो इस कल्चर में भाई भगवान ही मालिक है जी। कांग्रेस के इस कल्चर से कैसे पार पाएगी कांग्रेस, ये काम कांग्रेस को करना है, हमें जो दिखता है वो बताते हैं, और दिखा जो है वो फिर चलते चलते बता दूं, दिखा यही है कि जितने कमलनाथ कैंप के विधायक हैं वो राहुल गांधी की यात्रा से दूर थे, कमलनाथ के सुपुत्र भी दूर थे, सिर्फ 1 दिन 6 दिन में नजर आए, कमलनाथ भी दूर थे, सिर्फ उज्जैन में महाकाल के मंदिर में नजर आए, और उन्होंने कहा कि हम सीसी के बैठक में हैं। 6 विधायकों पे भी जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा वो 6 विधायक दिल्ली में क्या करेंगे, जब दिल्ली में भी नहीं है, दिल्ली में क्या करेंगे, तो फिर MP में क्या कर रहे हैं अगर राहुल गांधी के भी साथ नहीं खड़े हैं, अपने सबसे बड़े नेता के साथ नहीं खड़े हैं। ये सवाल बड़े हैं, खबर हो सकता है लगे छोटी, लेकिन ये सवाल बड़े हैं, और ऐसे ही सवाल जीत और हार के बीच का फर्क तय करते हैं, फर्क बताते हैं। तो आप भी इस फर्क को गौर से समझिए, कांग्रेस वाले लोग थोड़ा हमसे असहमत हो जाएं, हमें 2-4 गालियां दे लें, लेकिन फिर भी गौर से सुने कांग्रेस के भीतर चल क्या रहा है, और ये दरी वाला कल्चर कब खत्म होगा। ऊपर से नीचे तक कहा जा रहा है दरी बिछाओ, और आखिर तक दरी नहीं बिछी, तो ये कल्चर जो दरी कल्चर है कांग्रेस का ये, और उस दरी पर दिक्कत पर बड़ी बात है कि उस दरी पर जो बैठने वाले या बिठाने वाले नजर आ रहे हैं वो सब किसी और की तरफ से किसी और के लिए काम कर रहे हैं। और आखिरी सवाल जो छोड़ करके जा रहा हूं, क्या
जिस वक्त कमलनाथ नकुलनाथ के बीजेपी में जाने की चर्चाएं जोरों पर थी और तमाम तर्क इशारा कर रहे थे कि ये जा रहे हैं, तमाम बयान इशारा कर रहे थे, उस वक्त क्यों रुके? क्या कोई काम सौंपा गया? क्या कांग्रेस को निपटाएंगे? इसी सवाल के साथ मैं छोड़ जाता हूं आपको। कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा। कल दोपहर फिर मिलेंगे मिट्टे मुद्दा विदेशों को खेड़े। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।